आ गया है नया साल और नए साल की शुरुआत हो रही है सोमवार से, यानी कि मेरे महादेव के दिन से। तो आपका ये नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बरकत देने वाला, सुख देने वाली, वैभव सत्ता प्रदान करने वाली होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ 5 विशेष और अचूक उपायों का वर्णन करेंगे, जो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को, यानी कि नए साल के पहले दिन को, यानी कि सोमवार को करना है। 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप नए साल के पहले दिन यानी कि सोमवार को कर लेते हो तो यह निश्चित है कि इस नए साल में आपको महादेव की विशेष विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। नए साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो भी मांगोगे वो आपको महादेव प्रदान करेंगे। इन उपायों को करने के साथ साथ आपको एक संकल्प भी लेना है कि आप इस 2024 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी से सोमवार से रोज शिव जी के मंदिर जाना शुरू करेंगे और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय कौन सा है। तो गुरु जी ने बताए थे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान और उपयोगी उपाय बताए थे। गुरु जी ने कहा कि अगर आप बार बार नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे देकर थक गए हो, खूब मेहनत करते हो, खूब तैयारी करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कारणों से आप चूक जाते हो, तो आपको इस नए साल में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको सोमवार को इस विशेष उपाय को करना है। जब आप एग्ज़ाम की, परीक्षा की, इंटरव्यू की तैयारी पूरी कर ले, पूरी मेहनत कर ले, तो फिर आपको महादेव से निवेदन करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार को इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर लाल चंदन, पीला चंदन और 5 बेलपत्र लेकर जाना है। आप वीडियो में भी देखकर गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो गुरु जी ने कहा कि सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको बाबा को प्रणाम करके पूरे आस और दृढ़ विश्वास के साथ आपको शिव जी के शिवलिंग में जलाधारी के चारों तरफ यानी कि शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जिस पर शिव जी का शिवलिंग रखा होता है, उसके चारों तरफ आपको लाल चंदन के 7 बिंदी लगाना है। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पीले चंदन की 5 बिंदी लगाना है। फिर अंत में आप जो 5 बेलपत्री लेकर गए हो, उस 5ों बेलपत्री को आपको पशुपति शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर बेलपत्री को चढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब आप बेलपत्री समर्पित करो तो 5ों बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो अलग अलग दिशा की ओर, अलग अलग तरफ होना चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। इस तरीके से 5ों बेलपत्री को पशुपतिनाथ शिव जी का स्मरण कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखकर महादेव से निवेदन करना है, अपने परीक्षा का, इंटरव्यू का स्मरण करना है जिसमें आप पास होना चाहते हो, इस 2024 में आप नौकरी लगना चाहते हो, उस परीक्षा का, इंटरव्यू का आपको स्मरण करना है और महादेव से आपको निवेदन करना है कि वो आपको आपकी उस परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप जो 5 बेलपत्री शिव जी को अलग अलग दिशा में अलग अलग ओर रख कर जो समर्पित करते हैं तो उसका अर्थ ही होता है कि आप आपके राहों में सारी दिशाओं से आने वाली बाधाओं को, अड़चनों को दूर कर रहे हैं। सारी बाधाएं, सारी अड़चने जो आपके जीवन में आ रही होती है उसे महादेव कर देते हैं और आपके उपाय को स्वीकार करते हैं और उसका फल आपको प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद से आपको उस परीक्षा में सफलता मिलना निश्चित है। बहुत ही आसान है, नया उपाय है, गुरुजी ने बताए हैं। तो आप इस सोमवार को 1 जनवरी को अपने 2024 में नौकरी पाने के लिए एक बार अवश्य करें। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आप कोई वस्तु, कोई चीज महादेव से मांगना चाहते हो, चाहे घर खरीदना चाहते हो या जमीन खरीदना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो, सोना चांदी खरीदना चाहते हो, जो भी आपकी मनवांछित वस्तु है, जो आप महादेव से मांगना चाहते हो, पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि 2024 में महादेव वो आपको दे, तो उसके लिए आपको इस विशेष बहुत ही सरल और आसान उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 कमलगट्टा और 5
टच लॉन्ग लेकर उस स्थान पर पहुंच जाना है जो चीज आपको चाहिए। अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो आपको उस जमीन पर जाकर इस उपाय को करना है। अगर आपको घर बनाना है तो आपको जहां पर घर बनाना है वहां पर उसका स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। या सोना चांदी खरीदना चाहते हो तो उस पर आप इस उपाय को कर सकते हो। या जो भी आपकी मनवांछित वस्तु है, चीज है जो आप महादेव से मांगना चाहते हो, पाना चाहते हो, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए आपको उस स्थान पर जाकर 5 कमलगट्टा 5 लौंग लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके उस मनोवांछित वस्तु का स्मरण करते हुए आपको उस स्थान पर छोड़ देना है। और गुरुजी ने कहा कि यह निश्चित है कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो 3 महीने के अंदर ही महादेव आपको वो आपकी मनवांछित वस्तु प्रदान कर देते हैं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। आप जो भी महादेव से मांगते हैं, जिस भी चीज़ की कामना के लिए, जिस भी वस्तु की कामना के लिए आप इस उपाय को करते हैं, महादेव आपको वो प्रदान करते हैं। मेरे भोले भंडारी का भंडार है ही इतना बड़ा कि आप जो भी मांगते हो वो आपको दे देते हैं। और इस 2024 की शुरुआत ही हो रही है सोमवार से, तो महादेव से अपनी विशेष मनोकामना को कहने से आप बिल्कुल भी ना चुके। इनमें से कोई भी उपाय आपके लिए, जो भी आपके लिए उपयोगी हो, आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही हो, कष्ट आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हताश हो गए हो, बीमारियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हो, जीवन में आपका बस दवाइयों में ही पैसा जा रहा हो, तो इस विशेष उपाय को आपको इस 1 जनवरी को सोमवार को अपने 2024 में अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, दवाइयों को, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र शिव जी के मंदिर 1 बेलपत्र और 7 चावल के दाने और थोड़ा सा चंदन लेकर जाना है। बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन लगा लेना है, पीला चंदन, जो चंदन आपके पास हो वो चंदन आपको लगा लेना है। और फिर उस बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर ही आपको 7 अक्षत को, और आपको स्मरण रखना है कि वो चावल के जो दाने हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो 7 अक्षत के यानी चावल के दाने को आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली पत्ती पर रख लेना है। फिर आपको उस बेलपत्री को अपनी हथेली पर रखकर शिव जी के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के दाएं पैर की ओर, यानी कि सीधे पैर की ओर बैठ जाना है। और उनके दाएं कान में आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना को, आपका जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, उसे नंदी भगवान के कान में कहना है। या जो बीमारी आपको है, या जिसकी दवाइयाँ चल रही है, जिस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हो, कष्टों को दूर करना चाहते हो, उसका स्मरण करना है। फिर अंत में आपको फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उठ जाना है और उस बेलपत्री को ले जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्री उल्टा समर्पित करते समय अगर आपके चावल के दाने नीचे गिर जाते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन बेलपत्री उल्टा ही शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए आपको घर वापस आ जाना है। मात्र इतना ही आपको करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं कि मात्र इतना ही कर देने से आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते, आपके सारे को कष्टों को दूर कर देते हैं। सोमवार को इस विशेष उपाय को करने से आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, महादेव तक आपके हृदय की बात जल्दी पहुंचती है। तो 1 जनवरी को आप इस उपाय को अवश्य करें। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा कि इस 2024 में, नए साल में, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, जो भी नौकरी के लिए आप पेपर देना चाहते हो, या इंटरव्यू के लिए आप पेपर देना चाहते हो, या किसी परीक्षा में आप बैठना चाहते हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कोई विशेष परीक्षा है उसमें आप बैठना चाहते हो, पास होना चाहते हो, पिछले बार 2023 में भी, 22 में भी आपने वो एग्जाम की परीक्षा दी है, बार बार दे चुके हो, फिर भी उसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, हमेशा फेल ही हुए हो, तो इसके लिए आपको इस उपाय को करने, कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, PSC हो, UPSC हो, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, कितने भी बार आप पहले दे चुके हो,
पर इस बार आपको अगर आप पास होना चाहते हो तो इस विशेष उपाय को अवश्य करें। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि आपको इस उपाय को करने के लिए शिव जी के प्रिय दिन यानी कि सोमवार को शिव जी के मंदिर 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने और 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए वो लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको ये सभी सामग्री शिव जी पर समर्पित करना है। फिर आपको शिव जी के ऊपर अपना नाम और गोत्र तथा जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हो, जो भी परीक्षा आप 2024 में देना चाहते हो और उसमें पास होना चाहते हो, महादेव का आशीर्वाद उस परीक्षा के लिए प्राप्त करना चाहते हो, उसका स्मरण करते हुए शिव जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। सिर्फ इतना ही सोमवार को यानी कि 1 जनवरी को आपको करना है। 5 समी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने और सफेद पुष्प ले जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर अपना नाम गोत्र कहते हुए जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हो, जिस परीक्षा में आप पास होना चाहते हो, नौकरी की परीक्षा हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आप कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी एग्जाम के लिए बैठना चाहते हो, उसका स्मरण करते हुए आपको एक कलश जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आपको घर आ जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ आपको 3 महीने के अंदर ही नौकरी प्रदान करते हैं। आपको उस परीक्षा में भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये उपाय को करके पढ़ना लिखना बंद कर दे, आपको पढ़ना भी पूरा है, आप जितनी मेहनत करते हो उससे दुगनी मेहनत करना है और आपको पेपर देना है, परीक्षा देना है और यह निश्चित है कि इस बार आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी और महादेव के आशीर्वाद से आपको उस परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी और आप महादेव को धन्यवाद करने के लिए फिर से शिव जी के मंदिर पहुंचकर एक लोटा जल जरूर समर्पित करेंगे। अब बढ़ते हैं पांचवे और अंतिम उपाय की जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा और नया उपाय इस 2024 के पहले सोमवार को करने के लिए बताए। गुरुजी ने कहा कि भले ही आप अपने जीवन में 2023 में भले ही कोई व्रत नहीं किए हो, कोई उद्यापन नहीं किया हो, आपने कोई अनुष्ठान नहीं किया हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपको इन सभी का फल प्राप्त हो, उसका पुण्य प्राप्त हो और उसकी कृपा आपको 2024 में मिले, उसका फल आपको 2024 में मिले और आपके जीवन में सुख शांति आए, वैभव सत्ता की आपको प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको इस विशेष शिव महापुराण की उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर 1 बेलपत्र, चंदन और 1 अक्षत लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको सोमवार को 1 जनवरी को बेलपत्री में चंदन की 1 बिंदी और 1 अक्षर डालकर उस बेलपत्री को शिव जी पर अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपकी विशेष कामना हो 2024 के लिए, जो भी आपके जीवन के तकलीफ हो, कष्ट हो, जो आप 2024 में दूर करना चाहते हो, उसका स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि बिना व्रत उद्यापन अनुष्ठान किए बिना भी शिव जी आपकी उस कामना को पूरी कर देते हैं, यह निश्चित है। गुरु जी ने कहा कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे महादेव आपके इस उपाय को करने से पूरी ना करे। बहुत ही विशेष और नया उपाय है। आप भले कोई उपाय करो ना करो, पर आप 2023 में आए सभी व्रतों के, सभी अनुष्ठानों के, सभी उद्यापनों के फल को प्राप्त करने के लिए आपने जीवन में जो व्रत नहीं भी किए हैं उनका भी फल, उनका भी पुण्य 2024 में पाने के लिए आप 1 जनवरी को सोमवार को इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चुके। मात्र 1 बेलपत्री पर 1 चंदन की बिंदी लगाकर, 1 अक्षत उस पर रखकर शिव जी पर अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र इतना ही आपको करना है। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष सोमवार को अपने 2024 में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आनंद सुख प्राप्त करने के लिए, वैभव सत्ता प्राप्ति के लिए बताए गए विशेष उपायों की जानकारी। इनमें से जो भी उपाय आपको उपयोगी लगे आप उन उपायों को कर सकते हो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, ताकि आपके 2024 में महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख
शांति आ सके। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरु जी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर कर अपने 2024 में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।